मौजूद है जबरदस्त सेलिब्रिटी कपल, गेस्ट करें कौन। हेलो फैजान माम, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं ये क्या हो रहा है यार? ये रमजान की तैयारी हो रही है, जैसे कि आपको पता है रमजान में सभी किचन में चले जाते हैं, सभी किचन में आना। माम जी तंग करते हैं आपको? ये तंग करते हैं जब आप रमजान में कुछ बना रही होती हैं यहाँ के? बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली इज डन सो मेनी थिंग्स नाउ। मैंने देखा अभी, बिकॉज फैजान इज हेल्पिंग थ्रू आउट, आई थिंक आपकी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। हाँ, हाँ, है भाई, ही इज वेरी सपोर्टिव। आपको फॉल बैक प्लान रखना चाहिए, अगर ये ना चल सका तो हम ये चलाएंगे। तो बेसिकली ये हो क्या रहा अभी, ये क्या करें मुझे यार? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग करने लगे, देख सकते हैं। हमने एक रेसिपी अभी दिखाई, यस यस, और कोई मानेगा नहीं, लेकिन ये हमने खुद नहीं बनाई है, हमने तरीका बताया कि कैसे बनता है। हम बेसिकली हेल्दी खाने को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने भी तरफ से कोशिश करते हैं कि हेल्दी खाना लोग खाएं और अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो उसके हवाले से कुछ चीजें जो हम शेयर करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स। और मुझे अभी पता चला कि SLN शारजा लोधी के प्रोडक्ट्स हैं, और ये उसी के को यूज करते हुए आप लोग बना रहे हैं? जी, उनकी तमाम प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी की जो प्रोडक्ट है उसमें हमने क्रेनोला इस्तेमाल किया, और हनी उसकी स्लिमिंग टी, और जो नेचुरल हनी है। फिर आप तो राज बताएं, आज बता दें कि आपका फिटनेस का राज क्या? आपने बहुत वेट लॉस किया है। यार मेरे फिटनेस का राज ये है कि मैं हेल्दी चीजें खाता हूँ, और वो कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू ईट। यस, तो आप अपना खाना देखकर खाएं, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। मतलब महान ने कोई हेल्प नहीं की, ऐसे देख रही आपको। हाँ। किसी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं बहुत हेल्प करता हूं मां, किसी बात नहीं है मां, मैं हेल्प करता हूं बिल्कुल। आई सो स्वीट, माशाल्लाह। लेकिन एक और चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस किया है आज के एपिसोड में, वो ये कि मदरहुड जो है वो एक जर्नी है, और उसमें हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वेट इंपॉर्टेंट नहीं। बिकॉज वेट तो आप शेड कर सकते हो बाद में, लेकिन हेल्दी तरीके से आपको वेट लॉस करना चाहिए, और मदरहुड में अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं महान की तरफ आऊंगा। महान, माशाल्लाह आपने भी स्टेटस भी लगाया था कि लोग आपको इस ट्रोलिंग में पूछते हैं, यू नो आपने कहा था उसके बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? व्हिच आई थिंक वेरी पर्सनल थिंग। इट इज पर्सनल, बट आई थिंक पीपल डू नॉट हैव दैट फिल्टर। यस, के अंदर उनको पता, और बहुत सारी औरतों को ये बात पता होती है कि भाई यू हैड अ बेबी, यू वेंट थ्रू 9 मंथ्स टू मेक दैट बेबी, यू गेन्ड वेट, और आपकी डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है यार, उसको भी लूज करने में टाइम लगता है। मतलब इंस्टेंटली मैजिक वन तो है नहीं। पीपल विल लाइक यू इफ यू हैव अ बेबी विद योर फिगर दैट यू हैड बिफोर बेबी। ट्रू, to happen, because ऐसा होता ही नहीं है। So I think I was very vocal about it, और बहुत सारी औरतें just came forward, उन्होंने आके अपनी journeys में ऐसा share किया, and it was really heartbreaking. और मुझे इतनी प्यारी क्यूट सी बेटी है, देखिए मैंने आपकी, सच अ डार्लिंग, क्यूट। इनको क्या कहते हैं, चेंज आए कि लाइफ में थोड़ा अबू वाला फीलिंग आई अभी या नहीं? बहुत जबरदस्त फीलिंग है, मुझसे जो पूछता है एकदम से सरियल फीलिंग, क्योंकि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। एवरीथिंग सीम्स सो नाइस, माशाल्लाह। यस, एवरीथिंग सो नाइस, मतलब बहुत प्यारा प्यारा फीलिंग आती है बात, है ना। तो अभी आगे रमजान में कोई प्रोजेक्ट करें हम दोनों, ईद के बाद या कुछ देखेंगे हम? जी बिल्कुल, रमजान में भी मैं शूट कर रहा हूँ, वहां भी शूट कर रही है, और अभी इजाजत नहीं है बताने की हम क्या शूट कर रहे हैं। तो जैसे ही बाहर आएगा आपको तो पता चल जाएगा। इरफान साहब को नहीं बताएंगे आप? पहुंच जाएगा। अच्छा ये बताए, रमजान में शो करने वाले नहीं है कुछ? होस्टिंग कोई शो को होस्ट कर रहे हैं? नहीं, शो को होस्ट नहीं कर रहे, हम ये होस्ट कर रहे हैं। ये होस्ट कर रहे हैं। शो का नाम क्या है? शो का इसका नाम है जी मिस्टर एंड मिसेस किचन। ओह, ये कब ऑन एयर होगा और कहाँ पे? ये आपको बताएंगी शाइस्ता। ओह, शाइस्ता इज ऑन द वे। चलिए, वंडरफुल, गुड लक टू यू, टू यू बोथ ऑफ यू, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।